तो दोस्तों गीता कॉलोनी के अंदर खड़े हैं हम लोग, कहाँ पे? वीर जी मलाई चाप वाले पे। वीर जी मलाई चाप जितना ही फेमस है उतना ही फेमस है यहाँ का मिस्टर सिंह मोमोज, और तीन चार दुकानें यहाँ पे बहुत सारी एक साथ बनी हुई हैं। आगे चलते हैं, हम लगवाएंगे वीर जी मलाई चाप वाले पे मलाई चाप, और भीड़ देखो भाई कितनी है, कैसी होगी इनकी चाप आप इमेजिन कर ही सकते हो। भाई वीडियो भी चल रही है, चलो क्या बात है, भीड़ देखते हैं कितनी लगी हुई है भाई। तो भाई ये है मेन्यू, आप देख सकते हो सारी चीज़ें वेज मिलती हैं, फ्री होम डिलीवरी, और ये देते हैं अपनी फ्रेंचाइजीज भी मलाई चाप से लेकर के फनी नेम आइटम्स भी इनके पास हैं, सनी लियोनी मियाँ खलीफा, क्या बात है भाई, सारी चीज़ें हैं, रोल्स पनीर आइटम मशरूम आइटम बिरयानी, वीर जी इम्पोर्टेड फ्राई आइटम जो कि फिश होती है मोस्टली। दो चीज़ें हमने ऑर्डर करी हैं, क्या क्या हमने ऑर्डर करी है, एक वेज मलाई चाप और एक हमने करी है वेज फ्राई प्लेटर, वेज फ्राई चाप प्लेटर, तो वो दोनों चीज़ें लगवाएंगे और आपको दिखाएंगे बढ़िया से। पीछे लगा हुआ है गूगल और अंदर ये है शॉप जहाँ पे बनता है आपका ऑर्डर, और इनकी चाप दिखा देते हैं आपको, चाप बाहर से तो भाई यहाँ से इस टाइप की कुछ दिखती है इनकी चाप, तो यहाँ बनती है भैया चटपटी मसालेदार जो ग्रेवी वाली आइटम्स होती हैं वो इनकी बनाती है बाहर, और ये है जो भैया जो बनाते हैं, क्या बात है, और ये देख सकते हैं भाई इनके हैं मसाले अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज़ है मसाला की, और ये क्या है, ये है ग्रेवी वाली सॉसेज हैं, ये मिर्च वाली है ना, मिर्च वाली ग्रेवी है ना, ये चटपटा स्वाद देने के लिए मिर्च वाली ग्रेवी सॉसेज रखी हुई हैं, और ये हैं भैया पीछे बनता है तंदूर वाली आइटम्स, और यहाँ दिखा देते हैं आपको फ्रेश वेजीज पड़ी हुई हैं, प्याज नींबू और एकदम बढ़िया से सजा करके रखे हुए हैं स्वाद लेने के लिए, अमूल की क्रीम यूज़ नहीं करते, प्रिस्टाइन क्रीम को यूज़ करते हैं ये लोग, और ये हैं देखिए मलाई चाप, और ये है फेमस गीता कॉलोनी की चाप भाई, अंदर से दिखा देते हैं आपको एक व्यू, अगर आपको आना हो यहाँ पे तो यहाँ पे कैसे आ सकते हो, ये है गोल चक्कर, लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, भीड़ बहुत रहती है यहाँ पे, पार्किंग आपको मिलेगी, और देखो भाई यहाँ पे बहुत सारी जाम है, लोग अपना यहाँ पे प्लेट पे भी सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं, बढ़िया से पीछे से मार्केट देख सकते हो, पीछे ये निकल के आ रही है मार्केट और गीता कॉलोनी की रोड, सामने है मंदिर, प्राचीन शनि मंदिर है ये, चिकन शोरमा की भी वीडियो बनाना, वो भी बहुत बढ़िया है, मैं भी खा के आया था, 50 रुपए का पीस है, अच्छा आपका वो बहुत बढ़िया है, मजेदार शोरमा, हाँ सरदार जी देते हैं इधर, अच्छा बहुत बढ़िया, इसी रोड पे ही है, हाँ इसी, क्या नाम है आपका, गौरव तलवार, तो भाई हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए थे, तो कहते हैं आगे जाकर के एक चिकन शोरमा की भी वीडियो बनानी है, इसी रोड पे बता रहे हैं, तो अभी हम चलेंगे चिकन शोरमा की, क्या खा रहे हो आप, हाँ पंजाबी, क्या पंजाबी चाप, अभी चाप का आपको क्लोज लुक दिखाते हैं, तो ये है दोस्तों पंजाबी चाप, कितने रुपए की अभी है ये, होगी 170 की, 170 रुपए की है, कैसा लगा पहली बार खा रहे हो इसका टेस्ट, नहीं नहीं बहुत बार खा चुका पर बढ़िया है, ये वाली पहली बार ट्राई कर रहे हैं, पास में जाते हो, हाँ क्या बात है भाई एंजॉय करो, तो भाई ये हमारी चाप और ये हमारा प्लेटर जो इन्होंने पैक कर दिया था, दोनों ही चीज़ें हमने हाफ हाफ पोर्शन ली हैं, और गुड्डू पंडित जी हमारी मदद कर रहे हैं खोलने के लिए, भाई ये क्या है, ये है हाफ मलाई चाप इनकी, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, ऊपर से लगे हुए हैं क्रीम और प्याज के अंदर कोटेड हो रखी है बढ़िया से, और दूसरी चीज़ आइटम खुलेगी आपको ये सिर्फ, मैं बता दूँ आपको सिर्फ 100 रुपीज़ के, एक और ये है इनका वेज प्लेटर जो 125 टाइप्स ऑफ चाप है, KFC टाइप की आइटम्स है कुछ कुछ, ठीक है हमें डिफरेंट टाइप से फ्लेवर बना रखे, फिश फिंगर टाइप से लग रहा है कुछ कुछ, और अब इसकी टेस्ट करते हैं और हम बता दें आपको स्वाद, और ये ऊपर डाल दिया गुड्डू भैया ने वीर जी मलाई चाप के ऊपर ग्रीन चटनी, और ऊपर से आ रहे हैं प्याज बढ़िया से, क्या बात है, ये आए इसके ऊपर प्याज लच्छेदार, इसको अब हम इंजॉय करेंगे, और आप भी जल्दी से लोकेशन पे मैं टैग कर देता हूँ, अपने दोस्त को टैग करो जिसको ना वीर जी मलाई चाप वाली ये चाप बहुत पसंद है, और अगर यहाँ पे आप आसपास में रहते हो या दूर भी रहते हो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आकर के एक बार टेस्ट करना जरूरी है,
तो ये देखो भाई, ये देखो ये है गुड्डू पंडित जी का स्वाद। अब हम टेस्ट करते हैं इसे और इंजॉय करते हैं। आप भी फटाफट प्लान बना लो यहाँ आने का। सिंह चाप वालों के साथ में वीर जी मलाई चाप वाले और आ गए हमारे कौन, गुड्डू पंडित जी। नाम का लॉजिक अगले वीडियो में भाई, बने रहो इतने।